एबीवीपी हमीरपुर इकाई ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ उपायुक्त हमीरपुर कार्यालय के गेट पर कॉलेज छात्रों की लंबित मांगों को पूरा न करने पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से SCA चुनावों को बहाल करने की मांग उठाई। उपायुक्त कार्यालय गेट पर आयोजित धरना प्रदर्शन में प्रदेश सरकार व HPO प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। उपायुक्त कार्यालय गेट पर ABBP के दर्जनों छात्रों ने प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय के प्रति अपना गुब्बार निकाला। ABBP की मुख्य मांगों में महाविद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरे जा रहे, सरकार ने कॉलेज को खोल रही है परंतु जो पहले से ही खुले कॉलेज हैं उनमें अध्यापकों के रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा के परिणामों के उचित तरीके से नहीं निकाला जा रहा है, परिणामों में काफी खामियां आ रही हैं जिनसे छात्रों को आगे दाखिला लेने में समस्याएं आ रही हैं। इसके साथ ही SMC और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्तियां हो रही हैं छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन पर रोक लगानी चाहिए और छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। ABBP के इकाई सदस्य ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में भारी फीस वृद्धि हो रही है, ये सरासर गलत है तथा इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद और भी उग्र आंदोलन करेगी। हिमअगड़ में पब्लिक स्कूल विकास नगर के छात्रों ने हमीरपुर के गांधी चौक पर स्वच्छता का संदेश दिया और गांधी चौक पर सफाई कर वहां पर झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इस अवसर पर NSS के स्वयंसेवियों ने गांधी चौक पर साफ सफाई की और विकास नगर में आंगनबाड़ी की सफाई की, साथ ही छात्रों ने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। स्कूल के प्राध्यापक अश्विनी कुमार ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत ही NSS यूनिट के स्वयंसेवियों ने सफाई का संदेश दिया है और गांधी चौक पर सफाई की है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा विकास नगर में भी आंगनबाड़ी केंद्र में सफाई कर लोगों को सफाई का विशेष ध्यान रखने का संदेश दिया है। प्रदेश सरकार के हर व्यक्ति को घर मुहैया करवाने के दावे हमीरपुर में पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से एक गरीब परिवार आसमान तले जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो गया है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक DC से लेकर मंत्री तक फरियाद भी काम नहीं आई है, जिस कारण हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड 1 में अनु के पास गरीब परिवार झोंपड़ी बनाकर जीवन बसर कर रहा है और मकान बनाने के लिए पैसे नहीं होने से दर दर की ठोकरें खा रहा है। थक हार कर गरीब परिवार अब प्रशासन से जहर मांग रहा है ताकि कष्ट भरी जिंदगी से छुटकारा मिल सके। आपको बता दें कि हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड 1 के बशिंदे करतार चंद के आशियाने को करीब 3 साल पहले वन विभाग ने अतिक्रमण के मामले में उजाड़ दिया था और उसके बाद से करतार चंद झोंपड़ी बनाकर जिंदगी जी रहा है। करतार चंद ने CM से लेकर विधायक और DC से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगाई है, लेकिन आज दिन तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। बरसात के दिनों में करतार चंद की हालत दयनीय बनी है और झोंपड़ी में लगे हुए टेंट के फट जाने से अब जरा सी बारिश से पानी टपक पड़ता है। रात के समय अंधेरे में रहने से हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। करतार चंद ने बताया कि 1.5 साल पहले प्रशासन ने घर बनाने के लिए पैसे देने का वादा किया था और इसके लिए सारी औपचारिकताएं भी जिला प्रशासन के पास पूरी की थी, लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि सरकारी दफ्तरों की चक्कर काटकर पूरी तरह से थक गया हूं और अब प्रशासन से अपील है कि कुछ करे या फिर जहर ही दे दे। इस मामले पर जब उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा से पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिलासपुर इकाई ने शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और उनके समाधान के लिए उपमंडल दंडाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इससे पहले बिलासपुर इकाई के धरने को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखा है और अगर विद्यार्थी परिषद की मांगे नहीं मानी जाती है तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद अभी सांकेतिक रूप से ही प्रदेश भर में इकाई स्तर पर धरने कर रही है, लेकिन अगर विद्यार्थी परिषद की मांगों पर गौर नहीं होता है तो परिषद बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने बताया कि छात्रों के अधिकार
छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में खामियों को दुरुस्त किया जाए, क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के स्थायी परिसर का निर्माण और कक्षाएं इसी सत्र से शुरू की जाएं, प्रदेश के महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद जल्द भरे जाएं, प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज में अत्यधिक फीस वृद्धि एवं व्यापारीकरण पर रोक लगाई जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए, SNC व आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां युवाओं के साथ धोखा है, इन पर रोक लगाकर नियमित भर्तियां की जाएं, प्रदेश के सांस्कृतिक महाविद्यालयों की दयनीय स्थिति में सुधार लाया जाए और प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग और निजी विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार एवं व्यापारीकरण पर रोक लगाई जाए, प्रदेश के महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए, जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं को प्रदेश सरकार बहाल नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।